हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल कॉमर्स प्रस्ताव पे। और आज मैं आपके एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक लास्ट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर। यानी जब एक इनकमिंग पार्टनर है वो अपने साथ कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लाता है, लेकिन गुडविल वो पूरी नहीं ला रहा है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट ला रहा है, मे बी 50% या 50% से ज्यादा ला रहा है। ठीक, तो उस केस में हम उसे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपका अकाउंट यहाँ बनाना शुरू कर दूं, मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपके सामने वो क्वेश्चन पढ़ दूं जिसको कि आपको और मुझे सॉल्व होते हुए देखना है और समझना है इस टाइप के थ्रू। ठीक है, तो आपके सामने मैं वो क्वेश्चन रख रहा हूँ। अभी तक हमने इसमें बहुत सारे कंडीशन पढ़ी, बहुत सारे केसेस पढ़े, ये हमारा लास्ट है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जो अकाउंट्स पे आएगा वो होगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो ये लास्ट का कंडीशन या केस है आपका ला, इसकी इसके बाद आप हम और आप पढ़ेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ। तो सबसे पहले यहाँ पे दो पार्टनर है ए एंड बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, यानी 3:2 जिसे कहेंगे। उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर्म में 1/4 शेयर के लिए। ठीक, और 1/4 शेयर में एडिट करने के बाद इन्होंने कहा कि उन दोनों के ही प्रॉफिट में से 1/6 पार्ट, सॉरी ए के प्रॉफिट शेयरिंग में से वो 1/6 पार्ट लेगा और बी के प्रॉफिट शेयरिंग में से 1/12 पार्ट लेगा। ठीक, यानी 3:2, यानी 3/5 और 2/5 में से 1/6 और 1/12। ठीक है, अब सी अपने साथ गुडविल ला रहा है 90,000 के, लेकिन उस 90,000 में से सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए ही वो कैश में एक बार में लेके आ रहा है, यानी पार्ट पेमेंट कर रहा है। जहां 90,000 था वहां पे वो 50,000 ही ला रहा है। तो अब मेन कह रहे हैं, लेकिन हाँ इस केस में कोई गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा पेमेंट नहीं किया, यानी सी ने पूरा पेमेंट ए और बी को नहीं किया है। वहां पे करंट अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दोनों रहेंगे। ठीक है, तो नो अकाउंट फॉर गुडविल विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आइए देखते हैं कि इसका कैसे हम ट्रांजेक्शन करेंगे और जनरलाइजिंग कैसे करेंगे, उसके बाद हम इस पे आगे और भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने मैंने पढ़ दिया है, इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी, तो आइए देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन और फिर चलेंगे अगले वीडियो पे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं उसी क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन की। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि 90,000 का गुडविल का अमाउंट था जिसमें से सी उसका पार्ट पेमेंट कर रहा है, 50,000 ही अंदर ला रहा है, और दूसरी चीज की भाई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना 1/6 और 1/12 पार्ट सी को दिया था फॉर एडमिशन एज अ थर्ड पार्टनर इन द पार्टनरशिप। तो सबसे पहले उसने जितना दिया है गुडविल अमाउंट, हम पहले उसको जो है इनपुट कराएंगे। तो बैंक अकाउंट डीआर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो की 50,000 रुपए। ठीक है, फिर है हमने लिखा गया पार्ट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम ब्रॉट इन बाय सी। तो भाई पार्ट पेमेंट है 90,000 का, उसने लगभग मोर देन 50% किया है, आई थिंक इट्स 52% समथिंग है। तो ये तो हो गया, हमने प्रीमियम का इनपुट करा दिया। अब दूसरा है कि अब हम ये देखना है कि जो पार्ट पेमेंट नहीं हुआ है दोनों को मिलाकर के हमको किस रेशियो में हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में बांटेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है 3:2, यानी 3+2, यानी 3.5 और 2.5 के रेशियो में बांटना था, लेकिन भाई जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो तीसरा पार्टनर अंदर आएगा ना। तो जो भी मतलब ये जो अमाउंट है 90,000 का प्रीमियम का, किसका? गुडविल का, सी का, वो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आया वो 2:1 था, तो यहां मैंने लिखा भी हुआ है, मैं इसे हाईलाइट किया देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। 2:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप अगर आपने मेरी पिछले वीडियोस को फॉलो किया है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांटेंगे यानी 2/3 और 1/3। तो 90,000 का 2/3 कितना होना चाहिए? 60,000, वो यहाँ है ए के सामने 60,000 लिख दिया, 1/3 तो 1/3 ओपन 30,000, तो 30,000 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, तो अब यही है जिसको एडजस्टमेंट हमें करना था और देखना था। ठीक है, मैं बोर्ड से हट रहा हूँ 15 सेकंड के लिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो उसमें मैं आपको रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर दिखाऊंगा और उसके थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स भी आपको सॉल्व करवाऊंगा।
तो 15 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन आपके सामने है, इसको देखिए, और अगर मेरी राइटिंग कहीं समझ में ना आए या कॉन्सेप्ट में कहीं गैपिंग रह जाए तो आप मेरे वीडियो के लास्ट में अपने गैप्स को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, जो कि है रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो सी यू इन द वीडियो ऑफ ट्यूटोरियल ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो कीप लविंग द वर्क ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल उज्ज्वल कॉमर्स विस्टा, एंड कीप अप्रिशिएटिंग द वर्क ऑफ नॉट जस्ट उज्ज्वल कॉमर्स विस्टा एज वेल एज योर फ्रेंड उज्जवल शुक्ला टू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।